नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने फिल्म थैंक गॉड का टीजर देखा। इंद्र कुमार ने फिल्म को डायरेक्ट किया। इंद्र कुमार जो इससे पहले कई बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं, जैसे कि दिल, बेटा, राजा जैसी फिल्में, रिश्ते। इसके अलावा कॉमेडी फिल्मों में भी उनका कोई जवाब नहीं है। धमाल, टोटल धमाल, मस्ती जैसी कई कॉमेडी, हिट कॉमेडी फिल्में वो दे चुके हैं। तो वो एक नई फिल्म लेके आए जिसका नाम है थैंक गॉड, और ये फिल्म 24 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है, यानी दिवाली के अवसर पर। तो दोस्तों इस फिल्म का एक टीजर जारी किया गया है, तो टीजर की बात करते हैं। टीजर से कम यह पता चल जाता है कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। स्टोरी का पूरा खुलासा एक तरीके से टीजर में कर दिया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनका एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात यमराज जी से होती है और चित्रगुप्त से होती है। चित्रगुप्त का रोल अजय देवगन इसमें प्ले कर रहे हैं, और किस प्रकार से उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है, उनको उनकी कमियां बताई जाती है कि आपने जीवन में क्या क्या गलतियां की और क्या क्या मतलब आपने कर्म किए और उसकी क्या सजा आपको हो सकती है, इस बारे में ये फिल्म है। और उनको मौका दिया जाता है, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा पूछते हैं अजय देवगन से कि क्या मैं मर गया हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं एक गेम खेलूंगा, जिंदगी और मौत का गेम, गेम ऑफ लाइफ, जिंदगी का गेम। तुम अगर ये कमियां है तुम्हारे अंदर, इन कमियों को अगर तुम सुधार सकते हो, जैसे काम है, इच्छा है, आपस में जलन है, जो भी आपकी कमियां है, अगर इन सब कमियों को तुम सुधार लेते हो तो तुम्हें जिंदगी वापस दे दी जाएगी और अदरवाइज तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसा कुछ फिल्म का प्लॉट है, और इस प्लॉट को उन्होंने, इंद्र कुमार ने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से कॉमेडी के माध्यम से पेश किया है। तो दोस्तों यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से इसका विषय है उस पर डेफिनेटली विवाद होना तय है। विवाद इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो चित्रगुप्त बने अजय देवगन को बिल्कुल मतलब पौराणिक वेशभूषा में नहीं दिखाया गया, जिस प्रकार की हमने कल्पना कर रखी है कि चित्रगुप्त इस प्रकार के होंगे, और यमराज का रूप हमने जो हिंदू शास्त्रों में यमराज के रूप का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वैसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया, बिल्कुल फनी रूप में यमराज को दिखाया गया है। इसके ऊपर एतराज हो सकता है, डेफिनेटली ये एक तरीके से सभ्यता संस्कृति का मजाक उठाने वाली बात हो सकती है। और अजय देवगन भी यहाँ पर सूट बूट पहने हुए चित्रगुप्त के रोल में नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर तो विवाद हो सकता है कि आप क्यों फिर से एक ऐसी फिल्म लेके आए हो कि मतलब जिससे फिर विवाद पैदा हो, जिससे फिर भारतीय हिंदू सभ्यता संस्कृति पर सवाल उठाए जाए। अगर फिल्म में मजाक उड़ाया जाता है, और इसकी संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि इनकी वेशभूषा से पता चल रहा है कि ये कॉमिक रूप में दिखाए जाएंगे, कॉमेडी अंदाज में दिखाए जाएंगे, चाहे वो चित्रगुप्त का रोल हो, चाहे वो यमराज जी का रोल हो, इनका रोल एक कॉमिक रूप में पेश किया जाना इस फिल्म में, ये तो डेफिनेटली बात है। तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर मिलेंगे जिसके ऊपर विवाद हो सकता है। इससे बॉलीवुड को बचना चाहिए, वो भी इस समय जब बॉलीवुड की इतनी खस्ता हालत है और लोग बॉलीवुड से वैसे ही नाराज है, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, उसके बावजूद आप ऐसी फिल्में बना रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्म लेके आ रहे हो जो हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू मान्यताओं को चोट पहुंचा सकती है, उनकी आस्था को चोट पहुंचा सकती है, हिंदू धर्म के मानने वाले समर्थक है जो सनातन प्रेमी है वो नाराज हो सकते हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों लाते हो। तो ये तो एक बात हो गई, इसके ऊपर बाद में और चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक टीजर की बात करें तो टीजर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी कॉमेडी से भरपूर टीजर है, काफी ज्यादा आपको हंसने वाले सीन इस टीजर में देखने को मिलने वाले है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा परफॉर्मेंस वाइज अच्छे लग रहे हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, कॉमेडी में वो काफी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। शेरशाह फिल्म में आपने उनका अभिनय देखा होगा, काफी बेहतरीन था, यहाँ पर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अजय देवगन भी चित्रगुप्त के रोल में बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। अजय देवगन तो वैसे भी बेहतरीन अभिनेता है, उनको जो भी आप रोल देते हैं उसमें वे फिट ही बैठते हैं, और जबरदस्त अभिनेता है तो यहाँ पर भी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह तथा नोरा फतेही भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर के ये एक कॉमेडी से भरपूर ड्रामा है जो पसंद आ सकता है। आजकल कॉमेडी फिल्में पसंद की जाती है और इंद्र कुमार कॉमेडी फिल्म बनाने में माहिर माने जाते हैं, तो काफी जबरदस्त ये फिल्म हो सकती है। जो हास्य से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो जिस तरीके से इसमें चित्रण किया जाएगा, अगर कुछ गलत दिखा दिया, अगर कुछ ऐसे डायलॉग्स दिखा दिए जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, तो फिर इस फिल्म के लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है। बाकी फिल्म ठीक है, कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। अगर आपने ये टीजर देखा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टीजर कैसा लगा। मैं इस टीजर को 3 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।